हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है भानगढ़ फोर्ट पे। तो गाइस, आपको हम ले चलेंगे आज भानगढ़ फोर्ट, और ये सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं। तो दिखाएंगे वहाँ पे कैसा वहाँ का दृश्य है और कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। एक चीज़ दिखाएंगे कैसे वहाँ के जितनी भी मकान हैं, घर हैं, मंदिर हैं, हम कोशिश करेंगे सब कुछ उस एक ब्लॉग में हम कैप्चर कर सकें, और जाते हुए जर्नी भी आपको पूरी दिखाएंगे हमारी। चुके हैं सात मोड़ की घाटी, और अभी जैसे कि हमें आपको टाइम लैप्स में दिखाया होगा कि किस तरह का यहाँ का रास्ता है, ठीक है ना। यहाँ पे सात मोड़ हैं इस घाटी में, और इसके अराउंड हमको पूरा काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे आने में। थोड़ा रास्ता ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ट्रक वगैरह ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे, तो आगे चल के हम आपको और भी अच्छा नज़ारा दिखाएंगे। तो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ फोर्ट, और हम पीछे का नज़ारा देख सकते हो भाई। ये वो प्लेस है जहाँ पे हम देखते हो, जैसे एंटर करते हैं ना अपन, तो वहाँ पे ये जगह आती है। तो ये छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे पीछे की साइड, आप देख सकते हो। और ये मतलब पूरे नहीं बने हुए हैं, जैसे टूटे टूटे खंडर खंडर टाइप में पूरा। जैसे जैसे हम आगे पहुंच रहे हैं, जो छोटे छोटे खंडर थे अब वो बड़े बड़े खंडर में तब्दील हो गए हैं। ये देखो पीछे का सीन पूरा, ये देखो अब इनकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। मतलब अब वो छोटे खंडर थे, अब वो छोटे नहीं रहे हैं, अब वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अब आगे का सीन मैं आपको आगे दिखा। सो भाई, थोड़ा और आगे पहुँच चुके हैं, और बाकी सबसे बड़ी बात तो ये यार, मेरा सपना था यहाँ पर आने का, क्योंकि मुझे भूतिया प्लेस बहुत पसंद है, और फाइनली मेरा आज सपना पूरा हो गया यहाँ पर आने का। ये असल में प्लान ही किया था सुबह उठ के कि भाई चल यार कहीं ऐसी जगह चलते हैं, ताकि लोगों को भी अच्छा लगे देखने में कि आप कितनी बढ़िया जगह आए हो। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे भानगढ़ प्लेस, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सो अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा यार, और अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं ऊपर चल के आपको। एक मंदिर टाइप है यहाँ पे पास में, और वो वहाँ पे हम जा रहे हैं, और साथ में एक वाटर टैंक है भाई, पता नहीं काय का वाटर टैंक है ये। ये देखो, ये वाटर टैंक लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। और साथ में जो मंदिर हम जा रहे हैं वो आपको मंदिर से दिखाएंगे, पता नहीं काय का मंदिर है लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक अलग से रूम, मतलब ये ऊपर की साइड आता है ये इलाका, देखो आप इधर रूम ही रूम टाइप है यहाँ पे, देख सकते हो आप, ये देखो। सो ये इलाका जब आप ऊपर चढ़ेंगे, किले के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे बीच में ऐसे कमरे आते हैं जिन पे ये देखो साइड में यहाँ पे जालियाँ भी लगी हुई हैं पीछे की साइड, और ये पूरा रूम है ये इलाका पीछे का। और वहाँ से देखो पीछे से उधर से लोग बाग जा रहे हैं ऊपर की साइड। सो आगे दिखाते हैं आप। सो गाइस, जैसे देख सकते हो यहाँ पे कमरे ही कमरे हैं बस, अभी हम ऊपर तक आ चुके हैं, लेकिन अब हम पीछे देखते हैं एक कमरा इधर छोटे बन सकते हैं, और एक पीछे की साइड एक कमरा है, ठीक है। बाकी ऊपर ऊपर लोग घूम रहे हैं, सर तो यहाँ सर सर। भाई
तो भाई इस वक्त मैं हूँ टॉप पे और पूरा टॉप का व्यू देख लो भाई, ठीक है। ये सबसे टॉप है ऊपर का, जो भी दिखा रहा हूँ मैं, ये पीछे का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ से ऊपर का देख लो भाई नज़ारा, ठीक है। ये पूरा ऊपर का ऐसा व्यू दिखता है और उधर की साइड एक जंगल भी आ रहा है, उधर की साइड हम जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो वहाँ का भी नज़ारा है। पूरा अंदर पूरा किला दिखाया हूँ, ठीक है। तो पूरा ऊपर में कुछ नहीं है, कमरे कमरे हैं बहुत सारे, और फिर एक कमरा खुलता है, फिर एक परकोठा आ जाता है, परकोठा आप समझते होंगे, और फिर एक और कमरा आ जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारा मटेरियल भी वहाँ पड़ा हुआ था, जैसे खंडर का टूटा हुआ भाग कुछ पड़े हुए थे वहाँ पे साइड में, और बाकी कमरे काफ़ी सारे मैंने देखे वहाँ पे। और अभी हम जंगल की साइड जा रहे हैं, ठीक है। इधर इसके बगल में किले के जस्ट एक जंगल है, हाँ, तो उसका एक अच्छा सा व्यू दिखाने के लिए आपको ले जा रहे हैं। सो गाइज, आज आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं इस भानगढ़ किले में, मतलब इस भानगढ़ मोस्ट हॉन्टेड, वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है ये पूरा। तो इसके लिए सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सो गाइज, यही कहना था। सो गाइज, फाइनली हम अब जंगल में हैं। तो बाकी बाहर का जो मैंने बताया था आपको कि मंदिर हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे, लगभग 3-4 मंदिर हैं, ठीक है। शिवलिंग, भगवान का शिवलिंग भी है यहाँ पे, जो कि मैंने बताया था आपको, मंदिर जो फर्स्ट फ्लोर में दिखाया था। और काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे भी एक दो मंदिर हम आपको भी दिखाएंगे, और बाकी खंडर के बारे में मैंने बता दिया, ऊपर किले के बारे में जो भी था, और एक ऊपर भी एक छोटा सा, पता नहीं वो खंडर टाइप है या फिर किला है क्या है वो, हम वहाँ पे गए नहीं, कुछ ज़्यादा ऊपर है यार, कोई जा भी नहीं रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम नहीं गए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गए थे हम, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग भी घूम रहे थे, तो हम ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं जहाँ पर कोई जा नहीं रहा भाई, क्योंकि काफ़ी ऊपर था यार वैसे भी वो। बाकी तो हम अंदर कमरों में जाके भी आए हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई खास मुझे कुछ लगा नहीं। बाकी हॉन्टेड प्लेस है यार, मज़ा तो आता है घूमने में, कहीं बाहर आए हुए हैं ना, सो अच्छा तो लगता ही है घूमने में, पर हाँ ऐसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ मज़े आए, काफ़ी मज़े आए। मंदिर वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें जैसे मंदिरों में आप देख रहे हैं, जो उन्होंने तराशी की हुई है मंदिरों में, काफ़ी अच्छी है तराशी, आप देखोगे तो आपको खुद को लगेगा यार, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल आप जंगल का ये देख सकते हैं, इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, ये पूरा जंगल आप देख लो भाई, ठीक है ना, ये पहाड़ों के बीच में एकदम ये जंगल है। तो ये सब हम आपको वीडियो में यहाँ पे इसलिए आए हैं हम, ताकि हमको सब कुछ दिखा सकें, तो जंगल की तरफ भी हम इसलिए। तो भाई जंगल भी घुमाए, तो आगे हमें कुछ कुछ खास दिखा नहीं जंगल में, तो हम वापस आ गए वहाँ से, कुछ खास था नहीं उसमें। लग जाएगी, तो अभी कोई बंदे सोच रहे होंगे भाई ओमिक्रॉन चल रहा है कि घूमने नहीं आ सकते,
ऐसा मत सोचिए भाई, खूब लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए भानगढ़ इस वक्त भी। तो आपको यदि इंदौर का फैन बन रहा है यहाँ पे घूमने का, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा हमको घूम के, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, पूरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ थी गाइस यार, तो एक या दो घंटे में कवर नहीं हो सकती, आपको पूरा 3-4 घंटे लगता है एक चीज़ देखने के लिए, ठीक है। तो पूरा हमने कोशिश किया, पूरी वीडियो में एक एक चीज़ हमको दिखाई है। बाकी मंदिर पर जो तराशी थी मैंने वो भी कोशिश की कि मैंने पूरे ढंग से उसको पॉज करके वीडियो में पूरा दिखाया हमने, और पूरा कोशिश किया है कि पूरा हमने एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश की है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा ये चैनल ग्रो हो सके। गाइस आपके लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम बाइक से आए हैं, वैसे जनरली आपको कार से ट्रैवल करना चाहिए, काफ़ी रास्ता थोड़ा बहुत धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, इसलिए ये सबसे बेस्ट रहता है। बाकी आप यहाँ पर आइए, घूमिए और अपनी वीडियो को ज़्यादा फॉलो, मतलब शेयर कीजिए लोगों के पास, ताकि हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और हमको भी अलग से कॉन्फिडेंस आएगा यार, आगे वीडियो जो भी बनाएंगे आगे इससे भी अच्छी प्लेस, और भी अच्छी प्लेसेस देखेंगे जहाँ पे घूमेंगे। तो लेकिन भानगढ़ आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, तो ये हम यहाँ पर आपको लेके आए हैं। तो इससे भी और भी चीज़ें दिखाएंगे हमारे गाँव के पास आसपास, और भी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। तो बस आप अपने चैनल को फॉलो कीजिए और हमको फॉलो कीजिए।